मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भी प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। जमा हुए नामांकन की संख्या के आधार पर निर्विरोध निर्वाचन होने के आसार भी बढ़ गए हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। एमपी की 5 राज्यसभा सीटों के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारुलिया, बंशीलाल गुर्जर ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। चारों उम्मीदवारों के प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने। मौके पर पूर्व सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई अन्य दिग्गज मौजूद रहे। चारों प्रत्याशियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और उसकी उज्ज्वल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियाँ जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्यप्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह ने भी नामांकन भरा, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मैं हृदय से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार, और हमारे प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह जी और सबका हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक चुना है। एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम कर सकूँ। एमपी की कुल 5 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार भेजे हैं। ऐसे में एक नजर डालते हैं दोनों प्रमुख दलों के चयनित प्रत्याशियों पर। महिला मोर्चे की हैं राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, रह चुकी हैं पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण का कर रही काम। किसान मोर्चा के हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रह चुके हैं बूथ अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री। केंद्र सरकार में है कैबिनेट के मंत्री। वाल्मीकि समाज के हैं प्रमुख महामंडलेश्वर, सामाजिक समरसता में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष अशोक सिंह का बड़ा नाम, होटल और प्रॉपर्टी का है बड़ा कारोबार, 4 बार लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। विधानसभा में जीती हुई सीटों के हिसाब से बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सदस्य राज्यसभा भेजा है, जिस पर अब दोनों प्रमुख दलों की तरफ से तर्क कुतर्क भी शुरू हो गया है। देखिए, सब तपस्वी कार्यकर्ता हैं। उमेश नाथ जी ने सामाजिक समरसता के लिए बहुत काम किया। माया नरुलिया जी काफी लंबे समय से महिलाओं के लिए काम कर रही है। बंशीलाल गुर्जर जी खुद किसान नेता हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने काम किया। और मुरुगन जी हमारे बहुत अच्छे दलित नेता हैं, हालांकि तमिलनाडु से, पर हमारे बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने बहुत सोच समझ के चारों को राज्यसभा में अवसर दिया है। मैं चारों को बधाई देता हूँ। सर, कांग्रेस से एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, नेता, सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का चयन राज्यसभा के लिए हुआ। और बीजेपी के पास भी इसके लिए कहने को कुछ नहीं है, न झूठ बोल सकती है, न कुछ उल्टे सीधे बयान दे सकती है। सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे नेताओं की सहमति से हुआ। राज्यसभा के लिए चयनित प्रत्याशियों का चुनाव 27 फरवरी को होना है, जिसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों का चयन किया। हालांकि विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से चुनाव निर्विरोध होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।